लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज और अपडेट्स के लिए माय क्रिकेट प्रोडक्शन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश, आपने ट्यून इन किया है माय क्रिकेट प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आईपीएल 2018 की लाइव अपडेट से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है इस नीलामी प्रक्रिया में। वो ये खबर यही है दोस्तों कि क्रिस गेल को किसी ने नहीं खरीदा इस पूरी नीलामी प्रक्रिया में। 2 करोड़ की बेस प्राइस के साथ ऑक्शन में उतरे थे क्रिस गेल, लेकिन वो अनसोल्ड चले गए। उन्हें किसी ने भी बिडिंग नहीं दी, किसी ने भी उन पर बोली नहीं लगाई। दूसरी बड़ी बात जो रूट के साथ भी निकल कर आई, जो रूट 1.5 करोड़ रुपये की बेस प्राइस के साथ आए थे और उन्हें भी किसी ने नहीं खरीदा। हालांकि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी जो रूट को लेकर, लेकिन क्रिस गेल को लेकर किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि वो नहीं बिकेंगे। हालांकि दोस्तों, हम आपको ये बता दें अगर आप क्रिस गेल के फ़ैन हो कि दोस्तों क्रिस गेल एक बार फिर से इसी नीलामी में एक बार फिर से बिकने के लिए ऑक्शन टेबल पर आने वाले हैं। या तो दोस्तों ये 28 तारीख के अंत में या आज ही 27 तारीख के अंत में जब डे एंड होने वाला होगा इस नीलामी प्रक्रिया का, तब उन्हें ऑक्शन टेबल पर लाया जाएगा और एक बार फिर दोस्तों सभी फ्रेंचाइजियों के सामने वो अवेलेबल रहने वाले हैं। मेरे ख्याल से, जब से दोस्तों मेरा पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करें आप, तो क्रिस गेल दोस्तों बिक जाएंगे। कोई ना कोई फ्रेंचाइज इन्हें इनकी बेस प्राइस पर ले ही रहेगी, लेकिन अभी उन्हें इसीलिए नहीं खरीदा गया है क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा प्लेयर्स आने वाले बाकी हैं। अभी बहुत सारे खिलाड़ियों पर बोली लगेंगी और इसीलिए कोई भी फ्रेंचाइज दोस्तों क्रिस गेल में इतना ज़्यादा पैसा अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है। आगे जिस तरह की अपडेट्स आएगी आपको बताऊंगा चैनल के माध्यम से। इसी तरह के और अपडेट्स लगातार पाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए।